डेयरी मिल्क स्प्रेडी टोस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क स्प्रेडी। ये तो बच्चों का फेवरेट स्प्रेड है। और उसके साथ ही साथ मैंने ले लिया है चोको चिप्स। इसके जगह पे आप लोग चॉकलेट को क्रश करके भी ले सकते हो। उसके साथ ही साथ मैंने लिया है 2 स्लाइस ब्रेड और थोड़ा सा मोजरेला चीज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और हमें चाहिए अमूल बटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में कैडबरी डेयरी मिल्क स्प्रेडी ले लीजिए ऐसे, और बटर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। ये बहुत ही इजी एक प्रोसेस है, लेकिन बच्चों का सबसे फेवरेट नाश्ता बन जाएगा। इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। देख लीजिए 2 ब्रेड को मैंने चॉकलेट से कोट कर लिया है। और अभी ऐड कर देंगे चोको चिप्स। ऐसे ऐड कर दीजिए, जितना आपको पसंद है ऐड कर दीजिए। जितना चॉकलेटी आपको चाहिए उस हिसाब से ही बनाइए। ऐड कर दीजिए ऐसे, और थोड़ा सा दे देंगे क्योंकि मेरे को चॉकलेट बहुत ही पसंद है। ऐसे दे दीजिए, और ऊपर से पूरा के पूरा चीज से कवर कर दीजिए ऐसे। भर भर के दीजिए। देख लीजिए ये हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए तवा चढ़ाते हैं। मैंने तवा चढ़ा दिया है। अभी ऐड कर देंगे बटर, और उसके ऊपर टोस्ट को प्लेस कर देंगे ऐसे। प्लेस कर दीजिए, और थोड़ा सा बटर दे देंगे इस साइड पे, और दूसरे को भी सेम प्रोसेस में प्लेस कर देंगे ऐसे। प्लेस कर दीजिए। अभी एक ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए। इससे ना चीज हमारा पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा और टोस्ट भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो 1 मिनट टाइम दीजिए। देख लीजिए 1 मिनट हो गए है, अब चीज हमारा पूरा का पूरा मेल्ट हो गया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमारा चीजी टोस्ट अभी रेडी है। चलिए साफ कर देते हैं। देख लीजिए मेरा कैडबरी डेयरी मिल्क स्प्रेडी चीजी चॉकलेटी टोस्ट अभी रेडी हो गए हैं। मैं और थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए ऐड करूंगी हर्ब सीड चॉकलेट सिरप ऊपर से। ऐसे ऐड कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है चॉकलेटी ऐसे। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।